www.mumbaiconnection.in जा रहे हो वकील साहब? ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं beforepin.in और मैं हूं हेमंत कुमार। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अवधेश सिंह जी। अवधेश सिंह जी काफ़ी पुराने नेता हैं कांग्रेस के, और कल पटना में कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली होने जा रही है, और इस रैली को लेकर कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है, बहुत तैयारी हो रही है, पूरा पटना लग रहा है कांग्रेस में लग रहा है, और कल राहुल गांधी जी भी यहाँ आ रहे हैं। हम अवधेश बाबू से यह जानना चाहेंगे कि कल की जो रैली है, उस रैली के जरिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं बिहार की जनता को? नहीं, आपको जो क्वेश्चन है उसको तो पहले ही हम क्लियर कर दिया है जी, कि हमारा दो नारा है, वक्त है बदलाव का, और जो हमारा जो इशू है जो हमने नाम दिया है जन आकांक्षा रैली, तो जन का मतलब हुआ जनता की आकांक्षा। तो हमारा तो संदेश बहुत स्पष्ट है। अब हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी इस देश के बेरोजगारों का, इस देश के किसानों का एक मैसेज देने के लिए आ रहे हैं कि इस देश में कितने लोग किसान आत्महत्याएं की, और हमने अभी जो भाजपा का एक नारा था कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे आय की, और हमने अभी जो भाजपा का एक नारा था कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियां दी है, और हम उस परिवार के प्रति शुक्रगुजार हैं, अनुग्रहित हैं, जिस परिवार ने इस देश में हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आहुति दी देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारे राजीव गांधी की हत्या की गई देश की एकता और अखंडता के लिए, और उसी परिवार के आज उसी नेहरू परिवार के पोता एक नारा दे रहे हैं कि चौकीदार, पब्लिक क्या बोल रही है वो आप जानते हैं। इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं कि मुझको इतनी ताकत दे भगवान कि कल का भविष्य राहुल गांधी को हम लाल किला में झंडा फहरा दें। अवधेश बाबू, सामने लोकसभा का चुनाव है, और इससे पहले विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हुए, जिसमें 3 में आपकी पार्टी ने वापसी की 15 सालों बाद, तो बिहार में जो है रैली होने जा रही है, तो क्या इससे लगता है कि आपको लग रहा है कि केंद्र की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होने का संकेत मिल रहा है? निश्चित तौर पर बिहार की रैली देश का भविष्य तय करेगा। तो रैली के लिए आपने क्या तैयारी की है? आपके यहाँ हमारे यहाँ पूरे मगध जी, मगध जहाँ से हम आते जी, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, सभी जगह के कार्यकर्ता और नेता को यहाँ सम्मान देने के लिए गर्दनी बाग स्टेडियम में बुलाए हैं, और यहाँ सभी लोग रात में भोजन करेंगे, सुबह नाश्ता करेंगे, और गांधी मैदान में राहुल गांधी जी के अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। कितने लोग के यहाँ आने, आपके कैंप में कितने लोग आएंगे? हमारी पूरी तैयारी 10 से 15 हज़ार लोग। 10 से 15 हज़ार लोगों की, तो उनके मनोरंजन वगैरह का भी यहाँ इंतजाम हुआ है? सांस्कृतिक क्लासिकल जो देशभक्त और देश के प्रति जो समर्पित। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।